आलोट में माफियाओं के खिलाफ सख्त हुई प्रदेश सरकार का असर दिखाई देने लगा है। निर्देश के बाद आला अधिकारी कार्रवाई में जुट गए। आलोट SDOP सावेर अंसारी ने बताया कि आलोट अनुभाग करीब 45 ठिकानों पर उन्होंने दबिश दी, जिसमें 15 ठिकानों पर आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर आगे जारी रहेगी। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को ड्रग व शराब माफियाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। वहीं निर्देशों का पालन पुलिस प्रशासन सख्ती से कर रही है। वहीं आलोट ताल बरखेड़ा पुलिस ने अभियान के अंतर्गत कार्रवाई, जिसमें संबंधित थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध 15 प्रकरण बनाए, अवैध शराब बिक्री के ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 31 लीटर देसी शराब, 36 लीटर कच्ची शराब जब्त कर कार्रवाई की। शराब की कीमत 15,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं रतलाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। आमजन द्वारा किसी भी व्यक्ति के अवैध मादक पदार्थ व अवैध शराब की खरीदी बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी की सूचना दी जा सकेगी। उक्त नंबर पर जानकारी देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। जी देखिए, पूरे प्रदेश भर में अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब के विरुद्ध ये अभियान चल रहा है, जिसमें रतलाम पुलिस के द्वारा और आलोट अनुभाग के तीनों थानों ताल, बरखेड़ा और आलोट के द्वारा भी इस अभियान में कार्यवाही की जा रही है। पिछले 3 दिनों में आलोट अनुभाग के पुलिस ने लगभग 45 जगहों पर दबिश दी है, जहाँ पर अवैध शराब के होने की खबर मिली थी। जहाँ पर हमने कुल 15 प्रकरण बनाए हैं और लगभग 31 लीटर हमने देशी शराब और 36 लीटर इसमें हमने कच्ची शराब पकड़ी है, जिनकी कीमत लगभग 15,000 रुपये है। इस अभियान के तहत एक ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर भी चलाया जा रहा है, जो रतलाम पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है।